वाह, सो यमी, चिकन दो प्याजा, यम। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन कुल चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन दो प्याजा स्पाइसी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और एक बार इसे उसे बनाकर खा लेंगे तो बाबा इसे उसे चिकन दो प्याजा बनाकर खाना पसंद करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 kg चिकन है, इसे अच्छे से मैंने धो लिया है, देख रहे, वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ खड़े सूखे मसाले, जैसे जीरा 1 चम्मच, कुछ दाने मैंने छोटी इलायची लिए हैं, ये लौंग लिया है मैंने कुछ दाने, दालचीनी के लिए हैं, जावित्री लिया है 1 बड़ी इलायची, और कुछ दाने मैंने लिए हैं गोल मिर्च के, ये फोरन के लिए है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया डालने के लिए लिया है बाद में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसको गैस पर चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने 5 चम्मच के लगभग तेल डाला है, चिकन जो प्याजा बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा तेल चाहिए। अच्छे से 5 चम्मच के लगभग मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये गर्म हो रहा है, मैंने गैस को जला दिया था। अब इसमें मैंने जो सूखे सारे मसाले लिए हैं, यहाँ पे मैंने लाल मिर्च सूखा लिया था, 7-8 स्पाइसी में बना रही हूँ, इसलिए आपको अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद ना हो तो कम कर सकते हैं। इन सभी को मैं इसमें डाल दूँगी और चटकने दूँगी अच्छे से, चटक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी ये प्याज। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 भर भर के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे मैंने पीस कर रखा था मिक्सी करके, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही प्याज को भूनूंगी जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता, तब तक 2 से 3 मिनट वैसे ही भूनूंगी। जब तक वो भुना है तब तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे तीखा नहीं होता है, बस ये कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 2.5 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे लिया है चिकन मसाला, बस मसालों में इतने ही मसाले डालने हैं। और यहाँ पे 3 हरी मिर्च लिया है, इसे बीच से मैंने कट कर लिया है, ये बहुत तीखा नहीं है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसे, देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इन सभी को मिर्च को हटाकर, इन सभी मसालों को, यहाँ पे मैंने दही लिया है, देख रहे हैं 100 ग्राम के लगभग, इस दही में सारे मसाले को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से, तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है, मसाले भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तो सारे मसाले मैं सब इसमें 1-1 करके डाल दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी इस तरह से, और तब मैं डालूंगी इसको। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है प्याज और अदरक लहसुन का भूनते हुए, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, इसे मैं फ्राई करूंगी इसमें 8 से 10 से 12 मिनट के लगभग। मैं सभी चिकन को इसमें डाल देती हूँ और डालकर गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी, और फिर मैं इसे भूनूंगी अच्छे से, तो इसमें मिलाती हूँ सारे चिकन को डाल देती हूँ मैं। आज मैं चिकन तो प्याजा बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पाइसी भी बना रही हूँ, स्पाइसी चिकन बहुत अच्छे लगते हैं चिकन तो प्याजा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा तीखा ज़्यादा ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका मिलाते हैं, मैं इसे भून लूँगी अच्छे से 10 से 12 मिनट, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो देखिए इसे ढक कर मैं पका रही हूँ, 10 से 12 मिनट के लगभग हो चुके हैं पकते हुए, देख रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी जो यहाँ पे मैंने मसाले मिला कर रखे थे दही में, इसे इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और डाल के अच्छे से मिला दूँगी। जो बर्तन में लगे हुए इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं डाल देती हूँ मिला के, मसाले वेस्ट ना हो। तो इस तरह से सभी मसालों को मैं डाल देती हूँ और अच्छे से मिला देती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से दही में डाल के मिलाने से। गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम ही रखूँगी, और इस मसाले के साथ मैं इस अब चिकन को 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी इस तरह से मिलाकर। और इसमें मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को कट करके रखा है, इसे भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी दही डाला हुआ है टप्पन के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो आपको ना पसंद हो या ना डालना चाहे तो ना डालें टमाटर, इस तरह से बना कर खा सकते हैं। और अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे मैंने 3 लहसुन की
कोट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में, चिकन तो प्याजा में, तो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च लिया था उसे इन सभी को डालकर अच्छे से मिला देती हूँ, मिलाकर इसे ढक देती हूँ और बीच में जो चलाते हुए मैं पकाऊंगी तो अच्छे से चिकन पक नहीं जाता। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं 15-20 मिनट तक इसे पका लेती हूँ। तो देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, 10 मिनट के लगभग हो गए भूनते हुए, इतने अच्छे से ये पानी छोड़ दिया है चिकन, दिख रहा है मसालों के साथ। इसी पानी में मैं इसे पकाऊंगी, भूनूंगी। चिकन सिंह भी गए लगभग 60-70%, तो गैस को मैं मीडियम फ्लेम रखूंगी, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी ढककर फिर से 10 मिनट कि और अच्छे से पक जाए और पानी जो है जो सूख जाए और अच्छे से चिकन भुना जाए। तो इस तरह से ढक दिया मैंने, इस तरह से मैं बीच बीच चलाते हुए पकाऊंगी। तो देखिए हो गया 5-6 मिनट और पकते हुए, कितना अच्छा से इसका कलर चिकन तो प्याजा का उभर कर आया है, देख रहे हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने जो डाला था उससे कलर बहुत ही अच्छा आया है इसका और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, देखो देख के मुँह में पानी आ रहा है। अब इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो पनीर ये और चिकन दो प्याजा मैंने बोला था, तो चिकन दो प्याजा का मतलब है कि प्याज दो बार पड़ता है। तो एक बार मैंने मसाले में प्याज डालकर दिखाया भून कर, और इस तरह से स्लाइसेस में काट कर मैंने प्याज ले लिया है, दो प्याज लिया था उस तरह से मैंने कट कर लिया है स्लाइसेस में। और यहाँ पर मैंने एक भर के चम्मच कसूरी मेथी लिया है, इसे हाथों के बीच से रस्ट कर लिया है। अब इन दोनों को इसमें डाल दूंगी, देख रहे हैं इस तरह से, और डालकर इसे मिला दूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से प्याज और जो कसूरी मेथी था उसे मैंने अच्छे से मिला दिया इसे, और फिर से मैं थोड़ी देर से पकाऊंगी, देख रहे हैं भुना चुका कितने अच्छे से और सींच भी चुका है चिकन। देखिए दिखाती हूँ इस तरह से, देखिए कितना अच्छा से ये छोड़ रहा है, तो अच्छे से पक भी चुका है। थोड़ी देर और मैं भूनूंगी इसको, उसके बाद मेरा चिकन दो प्याजा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी 3-4 मिनट और मैं भून लेती हूँ इसे ढककर। तो देखिए चिकन दो प्याजा बनकर कितने अच्छे से मैं तैयार हो चुका है आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से भुना भी चुका है और हो चुका है, मैंने इसमें पानी ऊपर से ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं लटपट बना रही हूँ। आप चाहें थोड़ी ग्रेवी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो ग्रेवी वाली, तो मुझे ऐसे ही लटपट पसंद है। देखिए कितना अच्छा से बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने धनिया पत्ता कट कर रखा था, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने डाल दिया और डालकर अच्छे से मिला दूँगी, और देखिए मैं सर्व करती हूँ इसे। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आई होप कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बनाना पसंद करेंगे इस तरह से चिकन दो प्याजा, ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसे रोटी चावल किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं, पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और दो के जगह 4 रोटियां खाएंगे, चावल भी आप मांग मांग कर खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बार बार इसी तरह से चिकन दो प्याजा बनाकर आप खाना पसंद करेंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।